नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर 11th क्लास के वीडियो के अंतर्गत आज हम कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान जो है वो बहुत सारी शाखाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये केवल अपने आप में ही एक सीमित विषय नहीं है, इसके साथ साथ इस विषय को हमने कई भागों में, कई वर्गों में बांटा है और इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। और इन ब्रांचों के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली जो इसकी कृषि विज्ञान की जो शाखा है, सस्य विज्ञान, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा के तौर पर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फसलों तथा फसलों से प्राप्त होने वाले उत्पादन और फसली पादपों का हम संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, तो ऐसी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। और इस सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के शब्द को ये दो शब्दों के समायोजन से बना है, एग्रो प्लस नोमोस, है ना। तो एग्रोस प्लस नोमोस की बात हम करें तो यहाँ पर फसल और फसल से संबंधित जो भी वैज्ञानिक अध्ययन है उसका प्रबंधन करना हम इसके अंतर्गत लाते हैं। और दूसरी हम विज्ञान की शाखा के बारे में अध्ययन करें तो उद्यान विज्ञान जो है कृषि विज्ञान की एक शाखा है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल सब्जी तथा खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि फसलों से प्राप्त होने वाले जो फल है, सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत पुष्पों को भी सम्मिलित किया गया है। तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम उन पादपों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हम उद्यान के अंदर हम फलों के फलदार वृक्ष लगाते हैं, सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं, पुष्पों के पौधे लगा सकते हैं और उनका एक उद्यान बना करके संपूर्ण रीति से उसका हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, खाद्य पदार्थों और पुष्पों के पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तीसरी एग्रीकल्चर की जो शाखा के बारे में हम देखते हैं, जिसे हम पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन और अंग्रेजी में इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, और ये कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पशुओं से संबंधित यानी पशुपालन और पशुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनकी देखरेख कैसे करनी है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान की जो चौथी शाखा है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन, तो इसको हम एपिकल्चर के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर हम मधुमक्खियों को पालते हैं, यानी कि मधुमक्खी का पालन करके उनसे प्राप्त होने वाला जो शहद है वो उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खी के पाल देखरेख तथा उनसे प्राप्त शहद के उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार की जो शाखा है उसको हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन या एपिकल्चर कहते हैं। फिर इसके अगले चरण में हम बात करते हैं मछली पालन, जिसे हम फिशरी के नाम से भी जानते हैं, और इस फिशरी के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर मछली के पालन और उसकी देखरेख और उससे प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है, जो मांस है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछली पालन तथा उससे प्राप्त उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे मछली पालन कहते हैं। कृषि विज्ञान की एक अन्य शाखा और भी है जिसको हम रेशम कीट पालन कहते हैं, इसको हम सेरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर हम रेशम के कीट का पालन करते हैं और उससे प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो रेशम कीट जो है वो अपने जीवन चक्र की जो अवस्थाएं उनको पूर्ण करता है, अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जिसमें अंडा, प्यूपा, लार्वा और वयस्क अवस्थाएं आती हैं, और इन अवस्थाओं को अगर हम देखें तो उसके आधार पर इन
कीटों का हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। इन कीटों को पालने के लिए हम सैतूत के वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के अंदर जो तसर खेती की जाती है रेशम कीट पालन करने के लिए, उसमें हम अर्जुन के वृक्षों का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं लाख उत्पादन, यानी कि जो लाख का कीट है वो लाख के कीट का हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और लाख उत्पादन और लाख के कीट की पालन करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, लाख उत्पादन विज्ञान कहते हैं। ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है। और अन्य शाखाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कृषि विज्ञान की और भी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के अंतर्गत हम देखते हैं अगली शाखा है वन विज्ञान। वन विज्ञान जिसे हम फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनों के अंदर जो भी वृक्ष लगाए जाते हैं, जिनसे हम इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं या जिनसे हम रबड़ प्राप्त करते हैं, गोंद प्राप्त करते हैं, रेजिन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे लाभदायक उत्पाद प्रदान करने वाले जो पौधे हैं जिनका हम क्या करते हैं, छाया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वनों को विस्तार प्रदान करने के लिए हम वन विज्ञान के अंतर्गत वन से संबंधित पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वन विज्ञान कहते हैं। यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनों से संबंधित वृक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जो नौवीं शाखा के बारे में बात करते हैं अपन इसके अंतर्गत, तो उसको मशरूम उत्पादन। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज के समय में मशरूम का जो है उसकी खेती की जाने लगी है और इसके लिए खेती करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद में उनको सब ऋण मुहैया करवाया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सारी प्रशिक्षण से संबंधित जो भी इनको ज़रूरतें हैं वो पूरी करके हम मशरूम उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मशरूम प्रोडक्शन तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उसे हम मशरूम उत्पादन विज्ञान कहते हैं। अगली शाखा की बात करें अपन तो इसके अंतर्गत हम कुक्कुट पालन की बात करते हैं। कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको हम पोल्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गियों की देखरेख करते हैं और मुर्गियों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है जैसे अंडा और मांस, उसका हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कुक्कुट का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञान को हम कृषि विज्ञान की कुक्कुट पालन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो हम विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में और अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत आता है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों में होने वाले संपूर्ण रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उस रोग के लक्षणों के बारे में पता लगाते हैं, उनका उपचार कैसे किया जाएगा इसका पता लगाते हैं। तो ये सारी जानकारी कृषि विज्ञान की पादप रोग विज्ञान की शाखा के अंतर्गत की जाती है। और इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं जो है कृषि प्रसार। कृषि प्रसार जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर
एक्सटेंशन। तो इसके अंदर हम कृषि को प्रसारित करना चाहते हैं, उसका हम अनुसंधान केंद्र से लेकर के खेत तक के जो किसान है वहाँ तक वो सारी अनुसंधान के अंदर किए जाने वाले कार्यों की जो समरी है उनको स्थानीय भाषा में, उनको स्थानीय ज्ञान के रूप में उनको प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस विज्ञान का सहारा लेते हैं वो कृषि विज्ञान, उसे कृषि प्रसार विज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कीट विज्ञान की, बात करते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों के बारे में, जो कि लाभदायक हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, उन कीटों का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार की विज्ञान की शाखा को कीट विज्ञान कहते हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जो अगली शाखा है कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र। तो कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम कृषि से संबंधित जो भी हमको उत्पाद मिलते हैं उन उत्पादों का विपणन किस प्रकार से करना है, उनका भंडारण विपणन और उनको बाजार के अंदर जो कृषि उपज मंडियों तक पहुँचाना है, तो उस कार्य के अंतर्गत कितना इसके अंदर लागत आती है और कितना खर्च होता है उसके बारे में सारा अध्ययन किया जाता है। तो हम कृषि पर आधारित, हम देश के अंदर निवास कर रहे हैं, भारत भी कृषि प्रधान देश है और हमें कृषि अर्थशास्त्र के बारे में अगर जानना है तो हम कृषि विज्ञान की उस शाखा का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसके आगे के बारे में, आगे की जो जानकारी है कृषि विज्ञान से संबंधित, वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।